डॉली किचन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएं। हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। लॉकडाउन चल रहा है, दुकानें सारी बंद हैं, बाजार बंद है और बच्चों की फरमाइश को देखते हुए आज मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों का बहुत ही ज्यादा फेवरेट बर्गर। और बर्गर भी मैं बनाऊंगी अपने घर में इस ढंग से कि वो बहुत ही हेल्दी भी हो। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। आप घर बैठे बर्गर तैयार करके बाजार जैसा एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बर्गर बनाना शुरू करते हैं। इस बर्गर को बनाने के लिए हमने सूजी को आधा घंटा के लिए पानी में भिगो के रखा है। मैंने एक बाउल सूजी लिया है, ये इस बाउल से मैंने मेजरमेंट किया है। आधे घंटे में आप देख रहे हैं कि सूजी जो है पूरा पानी सोख चुकी है और फूल चुकी है। थोड़ा सा इसमें पानी डालने की और जरूरत है। यहाँ ये ध्यान रहे, सूजी को हमने दही के अंदर भिगोया है, यानी एक बाउल मैंने सूजी लिया है तो उसके अंदर आधा बाउल दही का डाला है। दही में सूजी को अगर भिगो के रखते हैं तो ये बर्गर जो है बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। एक स्मूथ बैटर तैयार हो गया है, इसमें हम डाल देंगे इनो। ये हमने करीब एक छोटा चम्मच इनो का डाला है। अच्छे से इसे फेंट लेंगे। आप देख रहे हैं बैटर जो है फ्लफी हो गया है। अब हम इसे ट्रांसफर करेंगे बाउल में। ये बाउल के अंदर मैंने तेल लगा के इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है। इसके अंदर बैटर डालेंगे। मैं इसे माइक्रो में बनाने जा रही हूँ। अगर आपके पास माइक्रो है तो आप माइक्रो में बनाएं, अगर आपके पास माइक्रो नहीं है तो आप इसे स्टीम में भी बना सकते हैं। अच्छे से हम टैप कर लेंगे। ओवन के अंदर इसे 3 मिनट के लिए रख देंगे। जब तक हमने माइक्रो में बर्गर को बना रखा है तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। मैं एक चम्मच तेल ले रही हूँ, हल्का सा तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया, इसमें डाल देंगे जीरा। जीरा हमारा ब्राउन हो गया, हम इसमें डालेंगे प्याज। ये एक प्याज डाला है, हल्का सा फ्राई कर लेंगे प्याज को। इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मच नमक, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, ये हमने डाल दिया आमचूर पाउडर एक चम्मच, और ये आधा चम्मच हमने डाल दी काली मिर्च। अब इसमें डालेंगे बॉयल्ड आलू। ये मैंने 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं जिसे बॉयल करके मैश कर लिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, क्रश करके डालेंगे और ये स्टफिंग हमारी बनके तैयार है। इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। 3 मिनट के अंदर हमारा ये बर्गर बनके तैयार है, ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया था। अब इसको निकालेंगे, एक चाकू से किनारे अलग करेंगे। पहले आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से बाहर निकल गया है। इसी तरह से इसको ठंडा करने के बाद ही निकालना है, नहीं तो टूटने का डर रहता है। इसी तरह से हम सारे बाहर निकाल लेंगे। अब हमने करना क्या है, इसको हम काट लेंगे। इस तरह से इसको हम सेंटर में से कट कर लेंगे। ये चारों को हमने सेंटर से कट कर लिया है। तो अब हम अपनी स्टफिंग को भी कंप्लीट कर लेते हैं। स्टफिंग भी हमारी ठंडी हो चुकी है। इसको हम इस तरह से लेते हुए लोइयां बना लेंगे गोल। ये हमने 4 लोइयां बना ली हैं। तो अब हम इसको थोड़ा सा हल्का सा तवे पे फ्राई कर लेते हैं, हल्का हल्का। तवा हमने रख दिया है गैस पे गर्म होने के लिए। तवा गर्म हो गया है, इस थोड़ा सा इसके ऊपर तेल डालेंगे। वो ज्यादा नहीं हम तेल डालेंगे, हल्का सा तेल डालेंगे और चारों जो हैं हम इसके ऊपर रखेंगे। इससे क्या होगा, हल्का सा क्रिस्प आ जाएगा। वैसे तो हम ऐसे में भी बर्गर बना सकते हैं, बट हल्का सा क्रिस्प देने के लिए हमें ये प्रोसेस जो है जरूरी है। एक बार इसे हम पलट देते हैं कुछ इस तरह से, दूसरी तरफ भी हम थोड़ा सा इसको सिकने देंगे। एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि हल्का हल्का ये सिक गया है, बस हमें इतना ही सिकना है। तो हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। बाकी के 4 भी हम इसी तरह से हल्का हल्का सेक लेंगे। इसी तरह से हमने बाकी भी सेक लिए हैं। तो अब हम इससे बर्गर तैयार करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए मेयोनीज। ये हमने प्योर वेज मेयोनीज ली है जिसमें नॉन वेज का यूज नहीं होता। ये हमने लिया है एक, इसको हम मेयोनीज लगा के तैयार करेंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिसको जितनी पसंद हो कम ज़्यादा कर सकते हैं इसे। साथ ही हम लगा देंगे टमाटो सॉस। ये हमने टमाटो सॉस लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम आलू की ये जो हमने बॉल बनाई थी इसको हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे हाथ से और इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। हल्का हल्का हमने प्रेस करना है, जितना साइज है उससे थोड़ा अंदर रखना है। और अब इसके ऊपर हम रखेंगे खीरा, एक प्याज रखेंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा मैगी मसाला डालेंगे। अगर आपके पास मैगी मसाला नहीं है तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब इसके ऊपर हम रखेंगे टमाटर और ये ऊपर की साइड उठाते हुए हम इसको, इस पे भी आप हल्का हल्का चाहें तो मेयोनीज लगा सकते हैं। हल्की हल्की मेयोनीज मैं इसके ऊपर भी लगाऊंगी, बहुत ज्यादा नहीं। मैं इसके ऊपर कोट करूंगी बट हल्का सा लगाऊंगी और हल्का हल्का इसके ऊपर मैं इस तरह से सॉस भी लगाऊंगी। अगर आपके पास पत्ता गोभी आप वो भी लगा सकते हैं। इस तरह से इसको हम बंद कर देंगे। इस तरह ये हमारा सूजी का बर्गर बनके तैयार। आप इसमें टूथपिक लगा सकते हैं।
सकते हैं या आप इसको ऐसे उठा के भी खा सकते हैं। तो आपने देखा ये कितना अच्छा बर्गर बनके तैयार हुआ है, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी। इसी तरह से हमने बाकी के बर्गर भी बना के तैयार कर लेने हैं। उम्मीद आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आपके पास मेयोनीज घर में नहीं पड़ी तो आप फ्रेश मलाई जो दूध के ऊपर से उतरती है वो भी लगा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप मेयोनीज लगाएं, अगर बंद में आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। इसी तरह से आप इसको ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।